यूक्रेन और रूस विवाद में हर पल कोई ना कोई नया मोड़ आ रहा है। इसी बीच रूसी संसद की जो निचली सदन है उसने पुतिन से पूर्वी यूक्रेन में दो रूसी समर्थित अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देने के लिए मतदान कर दिया है। और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने भी अपील की है रूस से कि वो इस पर अमल करे। इस बात की जानकारी देते हुए पुतिन समर्थक सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी के जो सदस्य हैं वोलोडिन, उन्होंने कहा है कि अपील तुरंत क्रेमलिन को भेजी जाएगी। हालांकि ये तो क्लियर नहीं है कि क्रेमलिन को इसकी समीक्षा करने में कितना टाइम लगने वाला है। बता दें रूस अगर ये कदम उठा सकता है तो ये विवाद और भी ज्यादा भड़क सकता है, क्योंकि स्वघोषित डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक की मान्यता पूर्वी यूक्रेन शांति प्रक्रिया को आराम से खत्म कर सकती है। ये वही जगह है डोनबास जहां पर सरकारी बलों और मॉस्को समर्थित अलगाववादियों के बीच में संघर्ष इतना बढ़ गया है कि इसमें अभी तक लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब सवाल है कि इतना बड़ा प्रकरण हो गया और कहीं कोई खबर नहीं आई और न ही कोई बयान सामने आया, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने अब जाकर बताया है कि संसद का यह कदम अगर स्वीकृत हो जाता है तो यूक्रेन और रूस का विवाद और भी भड़क सकता है। अब आपको उस बयान के बारे में बताएंगे जो राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में मीडिया से बात करते हुए कहा। पुतिन ने सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान देने से इनकार कर दिया कि वो कैसे प्रतिक्रिया देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूसी डोनबास क्षेत्र के निवासियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मिन्स्क समझौते के माध्यम से क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान किया जाए। तो वहीं इसमें यूरोपीय यूनियन के टॉप रजनई कूद गए और उन्होंने रूस को चेतावनी दे दी कि वो इन क्षेत्रों को मान्यता न दे। रूस को चेतावनी देते हुए रजनईकों ने कहा कि यह मिन्स्क समझौतों का साफ उल्लंघन है और ब्रुसेल्स ने यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता का समर्थन किया है। खैर रूस के हाँ और ना के बीच ये साफ नहीं है कि वो कौन सा रास्ता चुनेगा। हालांकि अमेरिका ये साफ कर चुका है कि वो किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।